अब आप देखिए कितना सीटें बढ़ी है, ये देखिए न्यूज में आया था कल ही, कर्नाटका का ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है 650 के लिए, और यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ का। और इससे पहले मैं स्टेट वाइज डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद प्रूफ बताऊंगा। ये देखिए राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो गया था, ये देखिए 3495 सीट बढ़ेगी इस साल से, इसी सत्र से सबसे ज्यादा 700 राजस्थान में। तो ये जो सीटें का लिस्ट दिया गया था पुराने कॉलेज में, आप देखिए आपको एक चीजें बता रहा हूँ कि कॉलेज वाइज डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये प्रूफ देखेंगे। तो कॉलेज वाइज अगर देखते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में 1100 सीटें बढ़ गई है। और अब डाउटफुल क्या है दोस्तों, जो ये पेपर वाले लिख देते हैं या जो चीजें पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई वो सारे ऑन रिटेन आ जाए ना, तो क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी, कट ऑफ एकदम, मतलब आप 25,000 रैंक तक बिल्कुल मिल जाएगी। तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि ये सारे सीटें जो अप्रूव हो गई है, जो न्यूज पेपर में छपी है, वो पेपर पे भी दिखे सीट मैट्रिक्स में, ठीक है। और राजस्थान के बाद बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश में, पुराने कॉलेज में सिर्फ 600 सीटें बढ़ी है, नया कॉलेज कोई नहीं है इस साल। कर्नाटक में 2 मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो चुका है, यादगीर और हवेली दोनों, ठीक है ना। और 550 पुराने मेडिकल कॉलेज में बढ़ रहे हैं, तो 850 सीटें हो गई। तमिलनाडु में नया कोई कॉलेज नहीं बढ़ रहा, 345 पुराने कॉलेज में बढ़ रहे हैं। गुजरात में 500 सीटें तो बढ़ रही है, लेकिन जेमर्स की है तो ऑल इंडिया वाले को फायदा नहीं होगा, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कितना बढ़ा, ठीक है। तो गुजरात वाले को जरूर इसे कट ऑफ काफी कम हो जाएगा। और यहाँ देखिए उड़ीसा में 200 पुराने कॉलेज में, 200 नए में। अब आगे ये मत पूछना कि सर पुराने में कहाँ कौन से कॉलेज में बढ़ रहा है ये, क्योंकि पार्लियामेंट में साफ साफ लिखा नहीं है, सिर्फ ये लिखा उड़ीसा में 200। अब कौन से कॉलेज में बढ़ाएगा ये कोई कहीं डाटा नहीं है, ठीक है। क्या सारे कॉलेज में थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे कि एक ही कॉलेज में 2 कॉलेज में बढ़ाएंगे या 50-50 करके बढ़ाएंगे, ये गवर्नमेंट ने नहीं बताया। आंध्र प्रदेश में 150, महाराष्ट्र में 250 सीटें बढ़ी है, 150 पुराने में, 100 नया जो एक कॉलेज खुला है पुणे में, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें 100 सीटें। झारखंड में पुराने कॉलेज में 100 सीट बढ़ी है। देखिए बिहार में कोई सीट ना बढ़ रही है और न वहाँ नया कॉलेज खुल रहा है, तो बिहार वाले के लिए तो बहुत बुरा हाल है। पंजाब 150 सीटें बढ़ रही है, पश्चिम बंगाल यहाँ देखिए ये 600 बढ़ जाएगी, 500 का अप्रूवल मिल चुका है, 100 सीटें पुराने कॉलेज में 600 हो गए और 100 और आने वाला है, तो 700 हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यही जाने आप समझ लीजिए। अब जम्मू कश्मीर में 160 सीटें बढ़ रही है, 100 नए कॉलेज, उधमपुर मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो चुका है। मणिपुर में 100 पहला मेडिकल कॉलेज जो है, 100 नया सीटें के साथ एक नया मेडिकल कॉलेज खुल गया है, और 50 पुराने कॉलेज में। उत्तर प्रदेश में 50, अब देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जो 100 वाला है ये अभी तक अप्रूव नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये गोंडा मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल की जागरण में छापा था, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये अक्टूबर तक अप्रूवल मिल जाएगा, जब तक आपका काउंसलिंग होगा, चांसेज है इसी सत्र में, ठीक है। और उत्तराखंड 50, सबसे कम हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है 20 सीटें। तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीटें बढ़ रहा है, 1200 सीटें, यहाँ कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी और ये फायदा हम लोग को ऑल इंडिया में भी होने वाला है सारे सीटों का। एम्स में दोस्तों थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ 350 सीटें को लेके, कि ये आएगा नहीं आएगा, होप कि आ जाए। तो क्या अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ में आप यहाँ ये देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 300 सीटें, हरियाणा में 100 सीटें, आपके आसाम में 100 सीट, केरला में 100 सीट, ठीक है। तो टोटल सीटें हो गई ये 4200, ठीक है, नए जो अप्रूव कॉलेज हो गए। अब आप बाय द वे इसमें से आपको मैं 100 माइनस भी कर देता हूँ जो उत्तर प्रदेश है, फिर भी 4100 होता है, ठीक है। तो ये 4100 तो पूरा आपके आ रहे हैं। अब इसमें से 500 जेमर नहीं आएगा, तो 3500 तो सीटें ऑल इंडिया में आ ही गई, ये तो आप कंफर्म मारो 101%। अब बात होती है पुराने में जो ये बोला हुआ है पार्लियामेंट में, तो वो आ रही है क्या, सही में आ रही है, न्यूज चैनल में भी मैं बता रहा हूँ कि लिखा हुआ सारे, तो ये सारे अगर आ जाती है तो कट ऑफ बिल्कुल जो मैंने बताया है वहां तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। अब प्रूफ देखते हैं दोस्तों, आप लोग क्योंकि प्रूफ बोलेंगे तो इसलिए मैंने प्रूफ सारे रखा हुआ है। अब मैंने पहले आपको ये बताया कि ये देखिए इसी सत्र से बढ़ने की बात हो रही है, 3495 सीटें जो पुराने कॉलेज में है। राजस्थान का अप्रूवल ये देख लिए, ये छत्तीसगढ़ वाला 300 सीटें का अप्रूवल आपने देख लिया, न्यूज चैनल कर्नाटका वाला भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप देखिए ये मेडिकल कॉलेज ये जो गोंडा वाला है इसी सत्र से होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा दोस्तों। तो
इसको आप मान सकते हैं कि हो जाए, क्योंकि अभी टाइम है, काउंसलिंग के बीच में भी अप्रूवल होता रहता है मॉपअप तक, तो आपके मॉपअप तक 3 महीने का टाइम है। और यहाँ देखिए ये 100 सीटें अप्रूव हुआ था, वो है ये सुंदरगढ़ वाला अप्रूवल, ये 1200 तेलंगाना में, ये देखिए 150 मेडिकल सीट कॉलेज फॉर, ये देखिए सारे प्रूफ है आपके लिए, ये सारे सीटें जो है अप्रूव हो गई है। और मैंने ये इसी से बनाया है लिस्ट, क्योंकि जो सारे न्यूज पेपर में आए हैं उससे मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ये देखिए श्रीगंगानगर, ये देखिए कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल में, इसी साल 5 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है ये एनओडी मिल गया है, नेशनल बॉडी एनओडी टू 5 मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, तो यहाँ तो आ ही रहा है ये। अब देखिए ये एक और मेडिकल कॉलेज वहाँ जो मणिपुर में था, बिहार का ये नहीं आ रहा इस बार, बिल्कुल कम चांस है। और ये देखिए यादगीर का अप्रूवल, तो ये रहा दोस्तों। और चैनल पे नया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, और पेड काउंसलिंग की जरूरत है तो आप दिए हुए नंबर पे, जो आपको मैंने बताया था ये जो नंबर है ये देखिए आप, तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्री कोई हेल्प चाहिए तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब चीज़ का प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे अब्रॉड हो या इंडिया में, आप गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है। और ये चार्ज इसलिए ले रहे हैं आपको बता दिया, क्योंकि डॉक्टर्स लोग हैं उनकी थोड़ा, अब इतने मेहनत करेंगे तो थोड़ा खर्चा तो चाहिए, तो इसलिए। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री वाले आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हेल्प करने के लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू।